बिटकॉइन ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे चल रहा था, करीब $30,000 के आसपास चल रहा था, लेकिन लूना ने बिटकॉइन को और भी ज्यादा डंप कर दिया, क्योंकि लूना ने यहाँ कई सारे बिटकॉइन सेल किए, जिसकी वजह से और भी बुरी सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त। और वही आज हमने $30,000 से भी नीचे बिटकॉइन का प्राइस देखा है, जो $29,700 के आसपास गया था। तो ये इस तरीके की सिचुएशन क्यों पैदा हुई और लूना ने बिटकॉइन को डंप क्यों किया, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इवन क्योंकि लूना का भी प्राइस इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि लूना में लगभग 50-60% का प्राइस में डाउनफॉल आया है। और मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि लूना को बाय कर लो, करीब $23-25 के आसपास चल रहा था। अभी हालांकि इसका प्राइस थोड़ा ऊपर आना शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो 14 पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरा है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, वॉफिड पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कहानी शुरू होती है सबसे पहले जब 42,000 से भी ज्यादा BTC जो मूव किए गए लूना फाउंडेशन से, यानी कि एक तरीके का लूना ने बिटकॉइंस को जब इतना ज्यादा बाय किया, करीब 10,000, 20,000, 30,000 बिटकॉइंस बाय किए थे लूना ने, हमने पिछले एक दो महीने में देखा इसी तरीके की बाइंग चल रही थी, क्योंकि यहाँ इसको अच्छा एक डंप में बाइंग करने का मौका मिल रहा था, जिससे लूना प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी हो रहा था। लेकिन जब लूना फाउंडेशन ने इतने सारे बिटकॉइंस को डंप किया, तो उसके बाद ओवरऑल मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया। तो अभी हर कोई यही सोच रहा है कि $1.4 बिलियन के जो बिटकॉइंस हैं वो मूव तो हुए हैं लूना फाउंडेशन से, लेकिन ये कहाँ पे गए हैं, क्या इन्होंने सीधा डायरेक्टली सेल कर दिया है। और इसी चीज को सोचते हुए बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हुआ है और बिटकॉइन का प्राइस 11% और भी ज्यादा नीचे गिरा है। तो टोटल जो बिटकॉइंस मूव हुए हैं 42,500 थे, जिसमें से 12,500 बिटकॉइंस एक बार मूव हुए और फिर उसके बाद 30,000 बिटकॉइंस मूव हुए, जिसमें से बहुत बड़ा अमाउंट OKX एक्सचेंज को भी सेंड किया गया। और मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी इस तरीके की बड़ी मूवमेंट होती है और जब भी इन्फ्लोज होते हैं क्रिप्टोकरेंसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी कॉइन्स आ रहे हैं उनको सेल ऑफ किया जाएगा और उनको फिएट में कन्वर्ट करके बाहर निकाला जाएगा। तो वेल अलर्ट ने भी इस चीज को अपडेट कर दिया था कि इतने ज्यादा बिटकॉइंस मूव हुए हैं। तो इस सब के पीछे कारण क्या था, अभी हम वो डिस्कस करेंगे कि लूना फाउंडेशन को ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि इनका जो प्राइस था वो $1 USD और $1 USD दोनों का बराबर होना चाहिए, यानी कि डॉलर के बराबर रहना चाहिए और डॉलर पैक्ड करेंसी रहनी चाहिए, लेकिन इसके डॉलर का प्राइस 0.94 तक पहुंच चुका था, यानी कि करीब 0.06 का एक फर्क आ चुका था, जो लगभग हम बोल सकते हैं 6-7 सेंट का। और इतना बड़ा सेंट का फर्क जब आता है, तो ये तो एक कॉइन में नहीं बल्कि इतने सारे कॉइन्स में, इतने सारे डॉलर्स में जब आया, क्योंकि ओवरऑल अगर हम इसके यूएसटी के मार्केट कैप की बात करें तो इस वक्त इसका मार्केट कैप इतना ज्यादा है कि पूरी मार्केट को हिला सकता है। इसकी 10th रैंक चल रही है यूएसटी की और इसका मार्केट कैप है $16 बिलियन से भी ज्यादा। जब $16 बिलियन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 सेंट से, तो आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट बना होगा और इससे कितना बड़ा पैनिक भी क्रिएट हुआ है पूरी ओवरऑल मार्केट में। तो एक्चुअल में क्या है कि जो एक वेल थी जिसके पास यूएसटी स्टेबल कॉइन थे, तो उसने सेल ऑफ किया, उसने डंप कर दिया यूएसटी कॉइन को। जनरली जैसे हम देखते हैं बाकी हमारे एक्सचेंजेस के ऊपर भी, जो बाकी और कॉइन्स है, क्रिप्टो करेंसीज है और कॉइन्स है, उनको सेल ऑफ किया जाता है या डंप किया जाता है, बिल्कुल वैसे अगर स्टेबल कॉइन को भी डंप किया जाता है तो इसके प्राइस में भी बहुत बड़ी गिरावट आती है। ऐसा हमने वजीराएक्स एक्सचेंज के ऊपर भी देखा है, जब भी यूएसडीटी को बहुत ज़्यादा सेल ऑफ किया जाता है तो इसका प्राइस इवन 60 रुपये तक भी पहुँच जाता है। बिल्कुल वैसे यूएसडी का प्राइस भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा, क्योंकि वेल ने एक बड़ी सेलिंग करी और इसका इम्पैक्ट पड़ा लूना के ऊपर। लूना में करीब 20-50% का ड्रॉप लगातार देखने को मिला। तो अभी जो लूना फाउंडेशन है, इन्होंने सोल्यूशन ये निकाला कि ये डिप्लॉय करने जा रहे हैं $1.5 बिलियन अलग से, ताकि इनका जो यूएसडी को स्टेबल करने का कंसर्न है वो खत्म हो जाए, यानी कि यूएसटी और डॉलर दोनों का प्राइस बराबर रहना चाहिए। और इसी से अभी बिटकॉइन भी रिकवर होगा, एंड मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलरेडी बिटकॉइन में रिकवरी दिख रही है। अभी ऑल टाइम हाई की बात करें तो करीब $32,500 के आसपास बन चुका है एंड प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ जो बिटकॉइन का RSI है बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, जो कि एक्सट्रीम सिचुएशन से भी नीचे जा चुका था और अभी यहाँ से रिकवर होना शुरू है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यही एक डिप है, यही एक डंप आया है जिसमें बाय करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन से आपने कॉइन्स बाय करने, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ एक और छोटी सी अपडेट आपको बतानी थी कि जो लूना का नेटवर्क है वो टेम्परेली सस्पेंड कर दिया गया बाइनेंस के ऊपर, जिस कारण लूना और यूएसटी दोनों में प्राइस का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। इस सस्पेंशन का इम्पैक्ट लूना को इतना बुरा देखना पड़ा है कि लूना में 50% का फॉल देखने को मिला है।
लेकिन यही एक 29,000-30,000 डॉलर का जो एक पॉइंट है, यहीं पे बहुत ज्यादा बाइंग होनी थी। तो हो सकता है कि ये ओवरऑल एक प्लान्ड मूव हो ताकि डिप में बाइंग करी जाए, और इस चीज ने डंप किया पूरी ओवरऑल मार्केट को, एंड डंप में बाइंग भी बहुत ज्यादा आई है। तो इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सिक्वेंस आपने बाय करने। लूना हालांकि हाथ से निकलता जा रहा है, अभी भी करीब 40-45% का डिक्रीज चल रहा है 24 घंटे के अंदर का। तो आप यहाँ 33-34 डॉलर के आसपास लूना को बाय कर सकते हैं। एक गैल टोकन है, यानी कि गैलेक्सी का जो टोकन है बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है, वो आपको करीब 6 डॉलर के आसपास मिल जाएगा, उसमें जरूर एंट्री ले लेना। इसी के साथ है कि मैंने कॉइन देखा है जो कि आज ही लिस्ट हुआ है एलडीओ के नाम से, लीडो डाओ। तो एक्चुअल में ये दाओ कॉइन बहुत हाई प्राइस तक गया था, लेकिन मार्केट नीचे गिर गई। मार्केट नीचे गिरने की वजह से इसका प्राइस नीचे आ चुका है, 30% नीचे गिरा है। तो आपको ये 2 डॉलर के आसपास देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। जीएमटी कॉइन जो हमारे हाथ में नहीं आ रहा था, अभी आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टेपन का जीएमटी करीब 2 डॉलर के आसपास आपको मिलेगा। एप कॉइन जो करीब 20 डॉलर प्लस चल रहा था, अभी आपको 9 डॉलर के आसपास मिलेगा। तो एप कॉइन को बाय कर लें, क्योंकि इसका आने वाले दिनों में बहुत बड़ा पंप आएगा। तो अभी मैंने कुछ गिने चुने कॉइन ही बताए हैं, लेकिन कल से लेकर आज तक बहुत सारे कॉइन्स में सजेस्ट कर चुका हूँ वॉफेड ऑफिशियल यानी कि टेलीग्राम के ऊपर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। कई सारे कॉइन्स में आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉफेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।